करमवीर जी चंडीगढ़। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी शरणागति या गुरु दीक्षा के बाद शिष्य का नया जन्म हो जाता है, तो हमारे द्वारा शरणागति गुरु दीक्षा से पहले अज्ञानतावश किए गए पाप कर्म बुरे कर्म क्या खत्म हो जाते हैं या फिर उनको भोगना पड़ता है? वो तब खत्म हो जाते हैं जब आगे ना होने पाए। अबलो नशानी अपना नशही हो, भगवान कह रहे सन्मुख हुए जीव मुए जब ही जन्म कोटि अघनाश हो तब ही। संत सदगुरुदेव भगवान की ही तो शरणागति करते हैं, प्रभु की तो शरणागति करते हैं। भगवान के सन्मुख कर दिया तो भगवान के प्रभाव से पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब, जब आगामी पुनरावृत्ति ना हो। अगर वही पुनरावृत्ति हुई तो शरणागत कहाँ हुई? शरणागत का मतलब है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे अब लो नशानी अब ना नशे, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे पुनि न रसई हो, अब लो नशानी अब ना नशे। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नशे। जो हमें गुरु जी ने नाम दिया मंत्र दिया, अब रात दिन उसका जप करेंगे और कोई भी पापाचरण नहीं करेंगे तो पीछे का हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मां सुचा, भगवान उसे पवित्र कर देते हैं। इसी जन्म के नहीं अनेक जन्मों के जो संचित कर्म है उनका भी नाश हो जाता है। और क्रियमाण जो अब हमसे हो रहा है बहुत संभल संभल के करें, कोई पापाचरण न हो, डरता रहे कोई हमसे धर्म विरुद्ध आचरण न हो जाए, बड़ा मंगलमय जीवन हो जाता है भगवान की शरण में जब हम हृदय से शरण होते हैं। बाहरी बनावट तो दम्भ पाखंड नाटक है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा तो सत्य की है कि जब हम सत्य में जुड़ते हैं तो हमारा परिवर्तन होना चाहिए, हम में कुछ ये होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए ना। कंठी तिलक बांधे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही आचरण कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या होगा? संसार के संसारिक पापी पुरुष से और शरणागत से अंतराय होना चाहिए। उसका बोलना, उसका बैठना, उसका देखना, उसका सुनना, उसका चलना शास्त्र सम्मत भागवतिक होगा और वो मनमानी होगा, वो दुर्गति को प्राप्त होगा या सदगति को प्राप्त होगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से अब लो नशानी अब ना नशही हो, तो पूर्व के पाप अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मां सुचा, सब पापों से तुम्हारे मैं बचा। और उन्हीं का बल है, अगर वो न क्षमा करें हम भोगना शुरू कर दें तो भोगते चले जाएं, कई जन्म भोगते रहें फिर भी नहीं पार पाएंगे। क्षमा ही हमारा उपचार है, तो भगवान हमें क्षमा कर दें, हम उनकी शरण में उनका नाम जप करते हैं। भूल से पुनरावृत्ति हो जाए तो तुरंत हृदय में जलन करे, भगवान से फिर प्रार्थना करे कि आप ही संभालो, हम तो बार बार बचना चाहते हैं लेकिन गिर रहे हैं, नाथ आप संभालो। भगवान से एकांत में प्रार्थना करना चाहिए, वो सर्वअंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वत्र विराजमान प्रभु प्रार्थना सुन लेंगे तो हमको काम क्रोध आदि दोषों से बचा लेंगे। अपनी सामर्थ्य कितनी है, थोड़ा डींग हाका मुंह भरा गिर गए नहीं। हाँ, तो इसलिए भगवत शरणागति भगवान का आश्रय यही सबसे बड़ा बल है और वही सब बात बना देंगे, पक्का बना। बनाना ना होता तो घसीटे काय को? देखो किसी आदमी ने जब निमंत्रण दिया और बैठाला और पत्तल डाल दिया, थोड़ा विलंब हो रहा है तो ऐसा मत सोचो कि केवल पत्तल ही पड़ा रहेगा, हलवा पूड़ी भी आएगी। ऐसे ही हम संसार में भूले हुए थे, हमको घसीटा अपनी तरफ सत्संग के द्वारा, अपनी शरण में लिया तो ये दोना पत्तल बिछा दिए तो अब आनंद भी देंगे ना, भगवद आनंद भी देंगे। हम धैर्य धारण करें, गलत आचरणों में ना जाए। भगवान के दासों का जो रहनी है वैसे हम रहें, मनमानी आचरण ना करें। तो जहाँ साधक मनमानी आचरण करता भ्रष्ट हो जाता है, भगवान से विमुख पहले भी था, सम्मुख होने की हवा आई कृपा की फिर विमुख हो गया। अगर हम विमुख होने का आचरण न करें तो भगवान हमको कभी त्याग नहीं सकते, भगवान का स्वभाव नहीं। एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसका मंगल कर दिया। और वो ऐसे हैं कि दिखाई नहीं देते लेकिन सब में हैं और सबके हैं, सब समय हैं, सब जगह हैं, ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा? पर वो हैं अव्यक्त, भजन से उनको व्यक्त किया जाता है। जितना भजन करोगे उतने सानिध्य का अनुभव होगा कि भगवान हमारे सानिध्य में।